हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है प्रोवाइडिंग लुक्स में। मैं हूं अंजन। आज बहुत ही खास वीडियो है दोस्तों। कैसे आप कोई भी जेपेग पिक्चर को डाविंची रिजॉल्व में ले जाके उसका कलर ग्रेडिंग कर पाएंगे, वही मैं आज आपको सिखाऊंगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो पर चलते हैं। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कैसे आप डाविंची रिजॉल्व 17 में कोई भी पिक्चर को कलर ग्रेड कर पाएंगे। तो सीधा चलते हैं मीडिया पे। पहले टाइमलाइन को क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ से राइट क्लिक टाइमलाइन एंड क्रिएट न्यू टाइमलाइन, बस क्रिएट। ओके, टाइमलाइन हमारा क्रिएट हो गया। अभी चलते हैं पिक्चर को लेते हैं। यहाँ से राइट क्लिक एंड इम्पोर्ट मीडिया, एंड यहाँ से ये जो जेपेग पिक्चर है इसको ले लेते हैं यहाँ से, एंड जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं टाइमलाइन पे। मीडिया पुल को बंद कर देते हैं एंड कलर पे चल देते हैं यहाँ से। तो दोस्तों, पहले पिक्चर को हम थोड़ा देख लेते हैं। ये पिक्चर है एकदम जेपेग पिक्चर। तो देखिए दोस्तों, ये एक सब्जेक्ट है एंड पीछे भी एक दूसरा एक इंसान बैठा है यहाँ पे। तो मुझे क्या करना है, इस इंसान को पहले यहाँ से रिमूव कर देना है। तो वो कैसे करते हैं, पहले तो नोड ले लेते हैं यहाँ से, तीन नोड ले लेते हैं यहाँ पे। हर एक नोड का नाम भी दे देते हैं यहाँ पे, जैसे इसको कर देते हैं ऑब्जेक्ट रिमूवल। उसके बाद इसको करते हैं ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट, फिर इसको करते हैं सैचुरेशन, फिर इसको कर देते हैं यहाँ से सैचुरेशन। ओके, तो ये दोनों नोट को नीचे ले जाते हैं एंड ऑब्जेक्ट रिमूवल टूल्स को यहाँ पे रखते हैं। तो ओपन इफेक्ट्स पे चलेंगे एंड यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों ऑब्जेक्ट रिमूवल। तो ये आ गया, बस जो नोड है जिस पे हम ऑब्जेक्ट रिमूव करेंगे, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए यहाँ पे। तो राइट साइड पे हमारे सामने एक नया विंडो ओपन हो गया दोस्तों। बस हमें अभी करना है, पहले ये जो सीन एनालिसिस है इसको क्लिक करना है। तो ये सीन को थोड़ा एनालाइज करेगा, वीडियो पे भी कोई पिक्चर पे भी ये सेम काम करता है। तो सीन को एनालाइज होने दीजिए दोस्तों, थोड़ा टाइम लगेगा। फोटोशॉप में भी हम ये सब कर देते हैं, आप सबको भी पता है, सेम डाविंची रिजॉल्व में भी होता है। तो बस हमें अभी करना है, ये जो विंडो है दोस्तों, यहाँ से पेन टूल को सिलेक्ट करना है एंड पेन टूल से यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है इसको सिलेक्ट कर लेना है यहाँ से। बस ये देखिए दोस्तों, सिलेक्ट हो गया हमारा ऑब्जेक्ट एंड हमें अभी सीन एनालाइज फिर से कर देना है यहाँ से। या फिर आप पेन टूल से पहले सिलेक्ट करके फिर सीन एनालाइज करें तो भी होगा, मतलब प्रोसेस सेम ही है, लेकिन मैं पहले ही सीन को पहले एनालाइज कर लेता हूँ ताकि सॉफ्टवेयर सीन के बारे में थोड़ा समझ जाए। क्योंकि ये जेपेग है तो उतना प्रॉब्लम नहीं होता, जब आप वीडियो पे काम करेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम ज़रूर आपको फेस कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सीन एनालाइज। बस यहाँ से करते हैं बिल्ड क्लीन प्लेट। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, हमारा जो यहाँ पे एक इंसान था वो रिमूव हो चुका है। तो जस्ट फिट कर देता है स्किन को। बस अभी कलर ग्रेड शुरू करते हैं यहाँ से। पहले ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट, उसके लिए चाहिए हमें स्कोप्स। बस आ गया स्कोप्स। ये स्किन है, मतलब ह्यूमन स्किन है, तो मुझे वेक्टोस्कोप भी चाहिए दोस्तों। तो ये रहा, हमें अभी ब्राइटनेस को ठीक करना है। शैडो थोड़ा नीचे जाएगा दोस्तों, एंड हाईलाइट भी थोड़ा नीचे आएगा। बस मिड टोन को थोड़ा बढ़ा देते हैं ऊपर, थोड़ा बहुत नहीं। बस अभी करेंगे थोड़ा कॉन्ट्रास्ट, थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट चाहिए दोस्तों यहाँ पे, ज़्यादा नहीं, नहीं तो ओवर सैचुरेटेड हो जाएगा पिक्चर। एंड फिर
सेचुएशन को देंगे यहाँ पे, ज़्यादा नहीं। तो ये हमारा एक नॉर्मल पिक्चर हो गया, नॉर्मल कलर ग्रेडिंग। तो अब हमें अभी स्किन टोन को थोड़ा ठीक करना है। तो कैसे ठीक करेंगे? पहले एक नोड लेते हैं यहाँ पे, फिर यहाँ से ऐड नोड एंड ऐड लेयर। यहाँ पे हमें चार ऐड लेयर लेना पड़ेगा, मतलब लेयर मास्क चार लेना पड़ेगा, चार नोड। क्यों? मैं अभी आपको बता देता हूँ। पहले वाला यहाँ पे थोड़ा जूम करते हैं स्किन को। स्किन यहाँ पे देखिए दोस्तों, दो पार्ट हो गया, एक हाईलाइट एंड एक है शेडो। तो हमें दो अलग से सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे चलते हैं दोस्तों, जो हमारा क्वालिफायर है, हम अभी हाईलाइट कौन करते हैं एंड हाईलाइट वाला एरिया जो है वो सिलेक्ट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हाईलाइट वाला जो एरिया है वो हमारा सिलेक्ट हो गया। तो थोड़ा सा यहाँ से डिनोइस कर देंगे एंड ब्लर कर देंगे, एंड फिर चलेंगे शेडो वाले एरिया पे। ये देखिए दोस्तों, हमारा शेडो एरिया सिलेक्ट हो गया। फिर थोड़ा डिनोइस करेंगे एंड थोड़ा ब्लर कर देंगे यहाँ से। ओके, फिर यहाँ पे चलते हैं एंड थोड़ा छोटा कर देते हैं, एंड ये जो रेड शर्ट है इसको भी थोड़ा सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से क्वालिफायर से। बस, लवली सिलेक्शन, एंड थोड़ा डिनोइस एंड ब्लर कर देंगे। ओके, अब फिट कर देते हैं दोस्तों। अभी चलते हैं पहले जो हाइलाइटेड एरिया है दोस्तों, इस वाले हाइलाइटेड एरिया पे। अगर आप चाहते हैं कि हाइलाइटेड एरिया यहाँ पे आप काम करना नहीं चाहते, सिर्फ स्किन पे ही काम करना चाहते हैं, तो ये जो पेन टूल है इसके मदद से आप थोड़ा सा जहाँ पे भी स्किन आप चाहते हैं कि यहाँ पे ही मेरा काम हो, बस ये पे ही काम हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि फिर से एक और पेन टूल लेना, तो जस्ट ये बहुत ही आसान है। आप यहाँ से पेन टूल को सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर से एक देखिए पेन टूल आ गया। तो हमें अभी हाईलाइट को थोड़ा बंद कर देते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमारा हैंड के ऊपर थोड़ा सा हाईलाइटेड एरिया है, इसको भी हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, दोनों हमारा हाईलाइटेड एरिया जो हमें सिलेक्ट हो गया। तो हमें अभी करना है ये जो शेडो वाले एरिया है इसको भी हमें सिलेक्ट करना है। तो फिर से पेन टूल एंड यहाँ से जो हमारा शेडो वाला एरिया है इसको ही थोड़ा हम सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से ऐसे। ओके, तो हमारा जो शेडो वाला एरिया है ये भी हमें सिलेक्ट हो गया। हमें शर्ट को सिलेक्ट नहीं करना क्योंकि दूसरा कोई जगह पे रेड कलर नहीं है। तो हाईलाइट को बंद कर देते हैं यहाँ से एंड चलते हैं हाईलाइटेड एरिया पे। यहाँ से थोड़ा बड़ा कर लेते हैं यहाँ पे। हमें अभी ये जो स्किन दिख रहा है हाईलाइट, यहाँ पे बहुत ही योलो है, योलो को भी हमें घटाना है। ये देखिए दोस्तों, बहुत सारा योलो है। तो योलो को यहाँ से थोड़ा सा डाउन कर देते हैं। आप टेम्परेचर पे चल के भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, योलो बहुत सारा कम हो गया यहाँ पे ऐसे। एंड यहाँ से हाईलाइट को भी थोड़ा कम कर देते हैं। यहाँ से नहीं कर सकते तो यहाँ से कीजिए एंड हाईलाइट से थोड़ा योलो को। बस देखिए दोस्तों, बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर देखिए दोस्तों कितना चेंज है। वैसे ही हमें शेडो पे भी करना है। शेडो पे भी थोड़ा लाइट चाहिए हमें, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं दोस्तों, ज़्यादा होने पे ये आर्टिफिशियल लग जाता है, तो ज़्यादा नहीं। शेडो से थोड़ा ब्राउन कलर को घटा देते हैं यहाँ पे। ओके, बिफोर एंड आफ्टर। ओके, अब जो रेड कलर है दोस्तों, इस पे हमें थोड़ा सा रेड कलर और ऐड कर देना है यहाँ पे, ताकि थोड़ा सा सैचुरेटेड लगे। एंड यहाँ से लाइट को थोड़ा डाउन कर देंगे।
ताकि एक सिनेमैटिक फील क्रिएट हो जाए। ओके ओके दोस्तों, बिफोर एंड आफ्टर थोड़ा सा और लाइट को डाउन करना होगा। ओके बिफोर एंड आफ्टर थोड़ा सा रेट को और मैं एक्स्ट्रा ऐड करूँगा, या फिर आप ह्यू भी कर सकते हैं यहाँ से। तो चले ह्यू नहीं करते हम, ओके बिफोर एंड आफ्टर। ओके एंड ये जो बैकग्राउंड है हमारा, मतलब ये तो सब्जेक्ट हमारा सिलेक्ट हो गया, अभी चाहिए बैकग्राउंड। बैकग्राउंड को भी हम थोड़ा एक एक्स्ट्रा सिनेमैटिक लुक देंगे। तो पहले हाईलाइट एरिया जो है यहाँ पे, हम थोड़ा यहाँ से साइन कलर को यहाँ से चूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा साइन हो गया दोस्तों। मिड टोन देंगे यहाँ से, थोड़ा सा येलो टोन रहेगा एंड ग्रीन भी रहेगा। एंड ये जो शेडो एरिया है दोस्तों, यहाँ पे हम थोड़ा ब्लूइश देंगे, ग्रीन एंड ब्लू थोड़ा सा, एंड साइन कलर को थोड़ा और ऐड कर देंगे यहाँ पे दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर। ओके उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कुछ ऐड करेंगे, जिसमें कलर ग्रेडिंग करने में थोड़ा मज़ा आता है। तो आपको मैं अभी सिखा देता हूँ कैसे आप ऐड करेंगे इसको। यहाँ से दोस्तों इसको थोड़ा ऐसे घुमा लीजिए एंड इसको थोड़ा छोटा कर लीजिए दोस्तों, तो आसान नहीं होगा। एंड इसको थोड़ा ब्लर कर देते हैं यहाँ पे एंड इन्वर्ट। ओके मतलब ये वाला एरिया हमारा सिलेक्ट हो गया, हम इन्वर्ट को यहाँ से बंद कर देंगे। एंड ये जो हमारा हाइलाइटेड एरिया है दोस्तों, इस पे एक एक्स्ट्रा लुक देंगे। आपको क्लियर यहाँ पे दिख रहा होगा दोस्तों, एक जो स्काई है एक डिफरेंट लुक हो गया। हमें अभी बस ठीक करना है इसे, इसको थोड़ा एडजस्ट करना है ऐसे। फिट तो देखिए दोस्तों, कंट्रोल डी, तो स्काई हमारा एक नया कलर ऐड हो गया। यहाँ से हम थोड़ा सा सब्जेक्ट से दूर ले जाएंगे ताकि सब्जेक्ट पे ये ना रहे। बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आप फिर से एक बार और एक नोड लेंगे एंड फिर से विंडोज़ पे चलेंगे। एंड अभी हमें ये सर्कल विंडो लेना है एंड इसको थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पे ऐड कर देना। मतलब पिक्चर को कैसे आप एक सिनेमैटिक एक अच्छा लुक दे पाएंगे ये आपके ऊपर है दोस्तों, इसके लिए प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, प्रैक्टिस कीजिए। ये रहा हमारा सब्जेक्ट एंड मैं ये जो एरिया है दोस्तों, इसको मैं अभी डार्क करना चाहूँगा, तो इसको इन्वर्ट कर देते हैं एंड उसके बाद सॉरी यहाँ पे इन्वर्ट करना पड़ेगा। ये देखिए दोस्तों थोड़ा डार्क हो गया, एक नया नोड लेते हैं दोस्तों यहाँ पे एंड अभी यहाँ पे फिल्म ग्रेन को हम ऐड करना चाहेंगे। चलिए यहाँ पे, या फिर आप ग्लो भी दे सकते हैं दोस्तों, ग्लो आप दे के देखते हैं यहाँ पे कैसा लगता है। पहले ऐड पे चलते हैं एंड सॉफ्ट लाइट, वाओ ग्लो देके बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा स्पेयर कर देंगे एंड रेशियो जो है इसको थोड़ा ठीक कर देंगे यहाँ से। अभी बिफोर एंड आफ्टर देखते हैं, बिफोर
एंड आफ्टर। वाओ, अभी दोस्तों यहाँ से एक नोट और लेंगे एंड इस पे डाल देंगे फिल्म ग्रेन। अभी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि देखने में आसानी हो। यहाँ से 35 mm 400T इसको चूज़ करते हैं। ग्रेन साइज़ को थोड़ा बड़ा कर देंगे यहाँ से ताकि आपको देखने में आसानी हो। यहाँ से टेक्सचर को थोड़ा ठीक कर देंगे एंड जो एस्पेक्ट रेशियो है इसको थोड़ा ठीक कर देंगे दोस्तों, तो आपको ग्रेन दिख रहा होगा क्लियर एंड फिट। ओके दोस्तों, यहाँ पे देखिए आपको क्लियर ग्रेन दिख रहा होगा। ये देखिए दोस्तों, ग्रेन देने में एक सिनेमेटिक लुक क्रिएट होता है दोस्तों, इसके लिए ग्रेन यूज़ होता है। उसके बाद हमने पिक्चर को क्रिएट किया है दोस्तों, अब हमें एक्सपोर्ट देना है, तो एक्सपोर्ट पे चलते हैं। एक्सपोर्ट या डिलीवरी ही मेन है, जो जेपैक कोई भी पिक्चर को आप डाविंची रिजॉल्व में कलर ग्रेड करते हैं। उसके बाद ये तो वीडियो फॉर्मेट में आप कलर ग्रेड नहीं, मतलब एक्सपोर्ट नहीं दे सकते, तो उसके लिए क्या करना होगा, पहले तो नाम दे दीजिए एंड ब्राउज लोकेशन दे दीजिए। मैं डेस्कटॉप देता हूँ यहाँ पे। ये जो दोस्तों फॉर्मेट है इसको कर देते हैं यहाँ से TIFF, बस यही मेन है। उसके बाद यूज रेंडर क्वालिटी कैचेस, ये तीनों जो है इसको क्लिक कर दीजिए एंड एट रेंडर क्यू चला गया। अभी एडिट पे आइए दोस्तों, टाइमलाइन को थोड़ा बड़ा कर देते हैं यहाँ से एंड इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, सिर्फ दो फ्रेम पे ही रहना चाहिए। हो गया, अभी यहाँ से रेंडर कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये रहा हमारा वही पिक्चर जो हमने डाविंची रिजॉल्व में कलर ग्रेड किया था। अभी फोटोशॉप में ये आ चुका है, हमें अभी जस्ट ओनली यहाँ से क्रॉप कर देना, मतलब एस्पेक्ट रेशियो जो है उसको ही ठीक कर देना है यहाँ से। तो यहाँ से क्रॉप पे चलते हैं एंड यहाँ से ये जो ब्लैक कलर का पोर्शन है इसको यहाँ से कट कर देते हैं यहाँ पे। ओके, एंड यहाँ से आप कुछ भी अभी लिख सकते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा लिख के यहाँ पे देते हैं तो देखने में अच्छा लगेगा। जैसे मान लीजिए मेरे चैनल का ही नाम दे देता हूँ यहाँ पे, प्रो एडिटिंग लुक्स ऑसम, जस्ट यहाँ पे ड्रग यहाँ पे रख देते हैं यहाँ पे। एंड ये जो कलर है इसको भी थोड़ा चेंज कर देते हैं यहाँ पे, या फिर कलर को और एक चेंज कर देते हैं यहाँ पे। अगर थोड़ा आप खुद स्ट्रॉन्ग कलर चाहते हैं तो ये वाला कलर देते हैं, यही अच्छा लगता है। स्ट्रोक्स देते हैं यहाँ पे एंड ओके। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा जो पिक्चर था ये डाविंची रिजॉल्व में कलर ग्रेड हुआ एंड फोटोशॉप में अपने एस्पेक्ट रेशियो को ठीक कर दिया। तो ऐसे भी आप पिक्चर बना पाएंगे डाविंची रिजॉल्व में। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लाइक एंड शेयर भी कर लीजिए दोस्तों, एंड सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब अभी कर लीजिए दोस्तों, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक मिल जाए। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में जाने से पहले उसका ट्रेलर। थैंक यू सो मच दोस्तों।